हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा नवी विषय संस्कृत। समय 3 घंटा और पूर्णांक 75 नंबर का पेपर रहेगा आपका। ये एक वायरल पेपर है संस्कृत का, कक्षा नवी का, जिसका पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा नवी वाले हैं, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो। एक से एक दमदार वीडियो आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स से कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है। देखिए एम पी बोर्ड परीक्षा 2023-24। साथ ही साथ जो भी दोस्त हमारे कक्षा नवी वाले हैं और अन्य राज्य वाले हैं, वो भी सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी में ग्रामर वाले क्वेश्चन यही सेम होते हैं। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर करिएगा। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। देवेंद्र में संधि बताना है, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो देवेंद्र शब्द में जो आपकी संधि है वो संधि हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि आपका राइट आंसर होगा। पर्यावरण इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। पर्यावरण में कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी यण। यण आपका करेक्ट आंसर होगा। पवन इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। पवन का संधि विच्छेद करना है तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पवन का पोधन, अनकरेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यत्र धन आस्ते इत्यस्य संधि बहुती। यत्र धन आस्ते को मिलाएंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बन जाएगा यत्रास्ते। अगला क्वेश्चन गणेश इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। गणेश में कौन सी संधि है, तो गणेश में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। आगे हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं विलोक के धन लभ्य, तो क्या बन जाएगा विलोक की बन जाएगा, नंबर एक में विलोक किया जाएगा। गम धन कथ बन जाएगा गता। द्रस धन तुमुन बन जाएगा द्रष्टुम। सी धन कत्वा बन जाएगा सहित्वा। और स्वर्ण काका तांडुलान। पाँच नंबर और वृक्ष स्वयं फलानी। 6 नंबर इस प्रकार आपके खालिस्तान यहाँ पर फिल हो जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ, तो तीसरा वाला है एक पद में उत्तर देना है। आम्र शब्द का क्या लिखना है, पर्याय पदम लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा रसालम। तटे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा तीरे। वनम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा काननम। और कठोर का विलोम क्या हो जाएगा मृदुम हो जाएगा। और कुत दरिद्रता ना भवे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वचने। और मल्लिका पूजार्थम सखी भी से कुत्र गच्छति इसमें, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिरम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जोड़ी को भी मिला लेंगे। प्रथमा विभक्ति किसमें है कृष्णा में। द्वितीय विभक्ति द्विवचनम किसमें है रामो में। तृतीय विभक्ति किसमें है रामेन में। षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बालकश्य। निरुपसर्ग पद क्या है
आपका निर्धन हो जाएगा, और पराउपसर्ग किस में, पराजय में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं जिसके समक्ष आपको आम और ना लिखना है। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे पट धातु अस्ति, तो इसमें क्या होगा, ना, क्योंकि पट धातु में अलंत नहीं है। अभवत् इत्यस्मिन् पदे विधिलिंगलकार भवति, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ना, क्योंकि इसमें लंगलकार है। आगे हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन है आपके, असामी इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति, तो इसमें लिखोगे आम, उत्तम पुरुष ही है। अलिखत इत्यस्मिन् पदे एकवचनम् अस्ति, तो इसमें भी हो जाएगा आपका आम। और अत्र जीवनम ध्रुवम अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अत्रव्यम अस्ति, तो इसमें भी आप आम लिख दोगे। सर्वदा व्यायाम कर्तव्य इत्यस्य सर्वदा अव्यम अस्ति, तो यहाँ सर्वदा अव्यम, बिल्कुल आम। इस प्रकार आपके आम ना हो गए। ठीक है, जिसके बाद में ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा लेंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ये पूरा एक वायरल पेपर है, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। 16 से लेकर पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, श्लोक भी है, पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी है, इसके बाद में आपको एप्लीकेशन भी मिल रही है अवकाश की, निबंध आपको कालिदास का या संस्कृत भाषा का करना है यार। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपका वायरल पेपर था जिसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमारा जो नाम है चैनल का, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से पीडीएफ अच्छे से ले लीजिए। 2023 का जो पेपर, 24 का पेपर आपका है ये, उसकी बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, एक वायरल पेपर है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा वीडियो हमेशा बनता रहेगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो मिलता रहेगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका नाम क्या है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे हैं ये भी आपको बताना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।